हैं? चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। अभी आ गया था, 2 मिनट के बाद ही आ गया था। चलो ऐसा जी, लास्ट ट्रेनिंग में आपने देखा होगा कि हमने क्या किया कि हम लोगों ने टर्म्स एंड डेफिनेशंस, टर्मिनोलॉजी जो जो यूज हुआ है या होगा ISO 27001 में, उसको हमने एक बार देखा। ओके, और फिर हमने क्या डिस्कस किया कि व्हाट आर द इंटरनल कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट, क्या क्या हो सकता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, एंड देन नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी। अब नेक्स्ट जो क्लॉज है 4.3, डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, दैट मीन्स क्या कहता है कि इसमें कहता है कि अप्लीकेबिलिटी, इसमें क्या होता है कि अप्लीकेबिलिटी भी देखना है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज डिटरमाइन बाउंड्रीज अप्लीकेबिलिटी, बहुत सारी चीजें, इसमें बहुत सारा फैक्टर जो कि आपने दूसरे स्टैंडर्ड में भी देखा होगा, QMS, EMS, OSAS 22000, OHSMS। हाँ सब में, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट देखने के लिए क्या करना है कि इंटरनल एक्सटर्नल इशू देना, नीड एंड एक्सपेक्टेशंस देखना है, और फिजिकल बाउंड्री, बहुत सारी चीजें। लेकिन इस स्टैंडर्ड में थोड़ा एक बड़ा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि जब अप्लीकेबिलिटी जब की बात करते हैं, जब अप्लीकेबिलिटी देखते हैं तो विल सी, क्योंकि इस स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा एक कंट्रोल है, लास्ट में जाएंगे स्टैंडर्ड में तो एक एनेक्सर है, एनेक्सर में बहुत सारे कंट्रोल दिए हुए हैं, तो एक वो सौ चौदह हाँ, तो वो जितने भी कंट्रोल हैं उस कंट्रोल को भी आपको यहाँ पे निकाल के लाना होगा कि कौन सा अप्लीकेबल है, कौन सा अप्लीकेबल नहीं है, कंसिडरिंग द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्लॉज में एक बड़ा स्पेसिफिक, स्पेशली फॉर 27001 की रिक्वायरमेंट भी है कि आपको अप्लीकेबिलिटी के हिसाब से आपके कंट्रोल जो डिफाइंड किया हुआ है इस स्टैंडर्ड में, उस कंट्रोल को जरूर देखना है कि कौन सा कंट्रोल आपके लिए अप्लीकेबल है, नॉट अप्लीकेबल है, तो उस वो भी आपको डिफाइन करके लिखना है, कंसिडर नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी किसी एक ट्रेनिंग में लेंगे कंट्रोल को, सारे डिटेल में जाएंगे। एंड देन वैसे ही क्लॉज नंबर 5 में आप देखें लीडरशिप एंड कमिटमेंट, सेम एज पहले दूसरे स्टैंडर्ड जैसा, इट इज वेरी सिमिलर नो, तो मैं समझता हूँ बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट इसमें क्या है कि एक जो पॉलिसी है उसको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो पॉलिसी है, इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टैंडर्ड। पहले क्या करता है कि इसमें जो पॉलिसी होगी एज पर द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस, उसके हिसाब से तो बनाएंगे ही, लेकिन इसमें दो कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कमिटमेंट है कि अप्लीकेबल रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कमिटमेंट माने कमिटमेंट टू सेटिस्फाई द अप्लीकेबल रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इन्फॉर्म, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो लीगल रिक्वायरमेंट हो सकता है, अदर रिक्वायरमेंट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर रिक्वायरमेंट होता है, कस्टमर रिक्वायरमेंट हो सकता है, रेगुलेटरी बॉडी रिक्वायर, कोई भी रिक्वायरमेंट होगी जो भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उसे हमारी कमिटमेंट होगी सेटिस्फाई करने की, ये कमिटमेंट होगी पॉलिसी में। और क्या है दूसरा चीज है, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट में क्या हो सकता है कि हम अपने आप को थ्रू आउट द प्रोसेस ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि जो भी पोटेंशियल हमारी रिस्क है, पोटेंशियल रिस्क रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी विच आर अंडर द कंट्रोल, विच आर द विद इन द कंट्रोल, तो उसके लिए कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, क्योंकि रिस्क लेवल को जितना ज्यादा हम रिड्यूस करें, क्योंकि आपको पता है अजय सर, एवरीबडी यू नो, यू आर वेरी एक्सपर्ट टीम, कि रिस्क कभी जीरो नहीं हो सकता है, नहीं कम हो सकता है, खत्म कभी नहीं होता है। हाँ, उसको जैसे मिटिगेट करेंगे रिड्यूस किया जा सकता है, रिस्क कैन नॉट बी द जीरो, क्योंकि रिस्क जीरो क्यों नहीं होता है? आपको पता ही है कि रिस्क जो एक मल्टीप्लाई सिग्निफिकेंट को लेके चलते हैं, सिग्निफिकेंट ऑकरेंस डिटेक्शन, या बहुत सारा फॉर्मूला है, तो सिग्निफिकेंट जो है ना वो कभी जीरो नहीं हो सकता है, और ऑकरेंस तो भी नॉन सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन उसका रेटिंग क्राइटेरिया वापस चेंज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, तो रिस्क कभी जीरो नहीं होता है, रिस्क लो हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। फिर वैसे ही रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी वो सेम है, क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशन में जब वी आर इम्प्लीमेंटिंग द मैनेजमेंट सिस्टम ISMS, तो इसमें रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी एज पर द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट प्रोसेस के लोगों को क्या क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करना है, दैट हैज बी टू मॉनिटर कि भैया वो कर भी रहे हैं कि नहीं, और उनको बताना भी पड़ेगा भैया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या आपकी रोल है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या चीज देखना है,
क्या चीज नहीं करना है, ठीक है ना। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, क्लॉज नंबर 6.1, एक्शन टू एड्रेस द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। ये वही है, ये रिस्क एनालिसिस वाली पूरा थ्रोड ये चैप्टर में है, क्योंकि क्या है कि इसमें दो ही चीज है। पहला क्लॉज नंबर 4.1 क्या होता है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज, एंड 4.2 क्या है, नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज। ये जो है, ये जो आप लोगों ने क्लॉज 4.1 4.2 में जो आइडेंटिफाई किया उसके रिस्क एनालिसिस करनी है। रिस्क एनालिसिस करने से पहले क्या करना होता है, सबसे पहले रिस्क क्राइटेरिया आपको सेट करना पड़ता है, फिर रिस्क असेसमेंट क्राइटेरिया सेट करना होता है। अगर आप देखेंगे इसी स्टैंडर्ड के क्लॉज नंबर, इसी स्टैंडर्ड जब क्लॉज देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि पहले आपको रिस्क एक्सेप्टेबल, जब 6.1.2 देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि भैया रिस्क एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया आपको पहले डिफाइन करना है, क्या एक्सेप्टेबल है नॉट एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है जी। सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट जो डिफाइन करने का क्राइटेरिया पहले सेट करना होगा, एंड इसके बाद रिस्क परफॉर्मिंग, दैट मीन रिस्क असेसमेंट के जो क्राइटेरिया है कि रिस्क हम असेसमेंट कैसे करेंगे। तो जनरली क्या होता है, लोग क्या होते हैं FMEA मेथड अप्लाई करते हैं, या बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं जो आपकी कंपनी को सूट करती है, ठीक है साहब। एंड फिर क्या है कि आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क, ये वही सारी चीजें हैं कि रिस्क आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट है नॉन सिग्निफिकेंट है, क्या है कैसे है। देन अब कहता है रिक्वायरमेंट है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क ट्रीटमेंट। रिस्क ट्रीटमेंट कब करेंगे, पहले क्या होगा रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे, एक्सेप्टेबल लिमिट में है कि नॉट एक्सेप्टेबल लिमिट में है, फिर उसके ऊपर कंट्रोल देखेंगे, जो हमारे आपने अभी बताया ना 114 जो कंट्रोल है उसमें से देखेंगे क्या क्या हमारे यहाँ होता है, फिर सारे कंट्रोल को अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस एक्टिविटी जो जैसा रिस्क उसके साथ अप्लाई करेंगे और उसको मॉनिटर करेंगे, फिर उसका ट्रीटमेंट की बात करता है। ट्रीटमेंट मतलब उसके ऊपर कंट्रोल इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंट करके मॉनिटर करेंगे, रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि भैया क्या रिस्क लेवल रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दिस इज द ऑल इज द प्रोसेस। देन नेक्स्ट रिसोर्स क्लॉज नंबर 7, मैं चाहता हूँ कि सपोर्ट दिस क्लॉज कुछ डिस्कस करने के, इट इज वेरी सिमिलर टू द QMS। क्या बोलते हो अजय साहब, आगे चलते हैं सेम है, सिमिलर है। हाँ बहुत, ऑल द रिक्वायरमेंट वेरी सिमिलर टू द QMS। देन क्लॉज नंबर 8 आता है ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। ऑपरेशनल प्लानिंग कंट्रोल क्या है कि जो हमने रिस्क आइडेंटिफाई किया क्लॉज नंबर 6.1 में, और 6.2 जो हमने 6.2 की जो रिक्वायरमेंट थी कि जो हमने रिस्क आइडेंटिफाई किया और उसकी जो हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव और प्लानिंग जो हमने एस्टैब्लिश किया, ठीक है जी। तो जो हमने रिस्क आइडेंटिफाई, वही है कि ऑपरेशन कंट्रोल, ऑपरेशन प्लानिंग कंट्रोल क्या है कि जो हमने रिस्क असेसमेंट जो किया क्लॉज नंबर 6.1 में और 6.2 में, जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया, ऑब्जेक्टिव किसका सेट करेंगे, रिस्क का। जो असेसमेंट करने के बाद होगा ना कि भाई ठीक है इसका आप रिस्क लेवल अभी इतना ज्यादा है, ठीक है इसको कैसे रिड्यूस करें, तो कंट्रोल एस्टैब्लिश करो, उसको मॉनिटर करो, इम्प्लीमेंट करो, उसकी इफेक्टिवनेस देखो कि भैया रिस्क कितना कम हो रहा है। तो दैट मीन्स ये दोनों के लिए रिस्क कंट्रोल के लिए, रिस्क असेसमेंट के लिए, रिस्क प्लानिंग के लिए, रिस्क के ऑब्जेक्टिव के लिए, जो जो हमने प्लानिंग किया हो कि कैसे हम रिड्यूस करेंगे, कैसे मॉनिटर करेंगे, कैसे रिव्यू करेंगे सो दैट रिस्क लेवल हमारे मिटिगेट हो, रिस्क लेवल रिड्यूस हो, तो उसके टोटल प्लानिंग में क्लॉज 8.1 में वही हम सारा चीज देखते हैं। फिर 8.2 रिस्क असेसमेंट वही हो गया, वो तो आपको दैट हैज बीन ऑलरेडी डिस्कस, रिस्क असेसमेंट ट्रीटमेंट हो गया। देन क्लॉज नंबर 9 मॉनिटरिंग मेजरमेंट एनालिसिस एंड इवेल्युएशन। इसमें किसका मॉनिटरिंग मेजरमेंट, किसका मॉनिटरिंग मेजरमेंट एनालिसिस इवेल्युएशन करना है, कंट्रोल का, रिस्क का नहीं, रिस्क तो कर लिया जो हमने कंट्रोल, एक्सटर्नल इश्यूज नहीं कंट्रोल का सतीश साहब जो बता रहे हैं सही है, जो हमने कंट्रोल एस्टैब्लिश कर दिया, जो हमने कंट्रोल इंप्लीमेंट कर दिया, उस कंट्रोल को मॉनिटर करना है, मेजर करना है, एनालिसिस करना है, उसका रिकॉर्ड बनाना है। तो उसमें क्या है कि भैया उस कंट्रोल की हम कब मॉनिटरिंग करेंगे, उसके फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, मॉनिटरिंग के लिए क्या रिकॉर्ड हम रखेंगे वो बनाएंगे, मॉनिटरिंग कौन करेगा वो देखेंगे, जो मॉनिटरिंग रिकॉर्ड होगा कब हम रिव्यू करेंगे, दैट हैज टू बी डिफाइंड। ये सारा चीज उसको इस क्लॉज में करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा
9.1 का जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि हम सिर्फ जो कंट्रोल जो है जो इम्प्लीमेंट करे हैं उस कंट्रोल को मॉनिटरिंग मेजरमेंट एनालिसिस एंड इवेल्युएशन करेंगे क्लॉज नंबर 9.1 में। ठीक है साहब, क्लियर? ओके सर। ओके, देन इंटरनल ऑडिट, देन इंटरनल ऑडिट एंड मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, इट इज वेरी सिमिलर टू द आवर ऑल द ओल्ड रेपुटेड स्टैंडर्ड। तो ये मेरे को ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, पहले से कई 10 सालों से ज्यादा का एक्सपर्टीज है, तो नीड नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सपर्ट एक्सप्लेन मी। ओके, देन इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट में क्या है कि नॉन कन्फर्मिटी करेक्टिव एक्शन, इट इज वेरी सिमिलर टू द QMS, तो वो आप कवर अप कर सकते हैं, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि विल स्टार्ट विद अ कंट्रोल, कितने कंट्रोल हैं, कैसे कंट्रोल को करना है, कैसे कंट्रोल के बारे में डिस्कस करना है, क्या क्या कंट्रोल हो सकता है, तो वो हम देखते हैं। आप देखेंगे स्टैंडर्ड में एक अनेक्सर है, अनेक्सर ए, अगर 27,000 के वन स्टैंडर्ड अनेक्सर ए में सारे कंट्रोल लिखा हुआ है कि कंट्रोल क्या क्या है। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि सारे कंट्रोल हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लीकेबल ही है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अप्लीकेबल हो भी सकता है, किसी के लिए अप्लीकेबल नहीं भी हो सकता है। तो ये कंट्रोल ISMS का कोर जो है, कोर जो जिस जो है, ये सारा कंट्रोल ही है। अगर थ्रू आउट कंट्रोल को बढ़िया से इफेक्टिवली अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं जो अप्लीकेबल होगा, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो रिस्क है काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो एक थ्रेट बना हुआ था ना कि भैया अरे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क है, दैट थ्रेट विल बी रिड्यूस when you implement the control as per the your application after your requirement. तो start करें control को। जी सर। हाँ, तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहला control है A.5, clause A है, A में 5 क्या? Information security policy। पहला control क्या है? Information security policy। उसमें क्या है कि clause number A.5 में, A5 में दो सब क्लॉजेज हैं, एक क्लॉज है उसका और उसके नीचे दो सब क्लॉजेज है। पहला क्या है कि पॉलिसी फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो पॉलिसी है, तो पॉलिसी जनरली क्या होता है कि पॉलिसी इज सेट बाय, इसमें क्या होता है, हाँ, तो क्या होता है कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की पॉलिसी एस्टैब्लिश करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा और उसको हर आदमी को बताना होगा, अवेयर करना होगा, एजुकेट करना होगा, भैया दिस इज द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन दूसरा क्या है, रिव्यू ऑफ द पॉलिसीज फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। दैट मीन्स क्या होता है कि जो पॉलिसी हमने बना दी, एक तो होता है कि पॉलिसी कॉर्पोरेट लेवल की पॉलिसी बन गई, टॉप हो कोई, एक होता है कि पॉलिसी डिपार्टमेंट वाइज भी बन सकता है, पॉलिसी प्रोसेस वाइज भी बन सकता है। ऐसा नहीं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी अगर बना दिया तो एक बना दिया, नहीं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसीडर द नेचर ऑफ डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंट एक्टिविटीज, पॉलिसी एक ऑर्गेनाइजेशन में कई पॉलिसियां हो सकती है रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डिफरेंट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, डिफरेंट प्रोसेस एक्टिव कहीं भी हो सकता है। तो जो भी पॉलिसी हम बनाएंगे पॉलिसी रिव्यू भी होगा, क्योंकि रिव्यू क्यों किया जाता है, रिव्यू इसलिए कहता है कि एडिक्वेसी, एक्यूरेसी, इफेक्टिवनेस, ऐसा तो नहीं कि पॉलिसी बना दी एडिक्वेट नहीं है, थंब रूल बन गया, तो उसको टाइम टू टाइम रिव्यू भी करना है, सो दैट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की एक पॉलिसी बन। तो पहला, सबसे पहला काम है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, एस्टैब्लिशिंग द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी एंड रिव्यू द पॉलिसी, ये कंट्रोल है। और ये कंट्रोल एक ऐसा कंट्रोल है कि चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो ये अप्लीकेबल ही होता है। क्या बोलते हो सती साहब? सबके लिए अप्लीकेबल। हाँ, ये क्लॉज, ये जो पॉलिसी है क्लॉज नंबर 5.1 जो है ये सबके लिए अप्लीकेबल है। ओके, देन अगला एक है कंट्रोल है, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मतलब क्या होगा, उसमें क्या होगा, दो चीज होगा, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है कि इसमें 5 सब क्लॉजेज हैं, दैट मींस 5 अलग अलग कंट्रोल्स हैं। क्या क्या है, पहला इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी,
ये कंट्रोल क्या है कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी रोल है समझे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी हम लोग रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को बड़ा हल्के में लेते हैं, रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करने में और उसको रियल ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन ये एक अगर इफ यू टॉक फॉर द इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल इन कंसर्न ऑफ द इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी शैल बी डिफाइंड एंड एलोकेटेड। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप लोग जाते हैं अजय साहब ऑडिट में, विनोद साहब और अनिकेत या बाकी शास्त्री सर सबको यहाँ रंजय भी, तो जब भी आप जाएंगे तो ये जरूर देखेंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टैब्लिश है और एलोकेटेड है उन लोगों को। देन सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ये बहुत बड़ा थ्रेट है, ध्यान रखिएगा। एक आदमी 10 काम कर रहा है तो समझो कि काम गड़बड़ है, एक पता चला कंपनी में 5 आदमी, 5 आदमी सब काम कर रहे हैं, तो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल ह्यूज थ्रेट फॉर द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो इस कंडीशन में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करें तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वो आप लोगों को जरूर देखना है व्हेन यू गो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, चाहे कोई क्लाइंट इंप्लीमेंट कर रही है अगर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को, द सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज द वेरी मच इंपॉर्टेंट एज ISMS इज कंसर्न। सिमिलरली ऑडिट के केस में जब भी आप जाए तो जरूर देखें कि भैया हर आदमी के लिए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है इंप्लीमेंट की नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कंसर्न में। ओके, देन कॉन्टेक्ट विद द अथॉरिटीज बहुत है कॉन्टेक्ट विद अथॉरिटीज, अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्ट विद द रिलेवेंट अथॉरिटीज शैल बी मेंटेन्ड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर आदमी को ऐसा नहीं कि कोई नीचे वाला ऊपर को रिपोर्ट करता है, ऊपर वाला नीचे को रिपोर्ट कर रहा है, बीच वाले गायब हो जा रहे हैं, तो दैट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्ट विद द रिलेवेंट शैल बी मेंटेन्ड। अथॉरिटी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, दैट मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाते हैं या कुछ भी करते हैं दैट हैज टू बी फॉलोड एंड इम्प्लीमेंटेड, अदरवाइज देयर शुड बी द ह्यूज चांसेस ऑफ रिस्क टू द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। एक बहुत देखने में बड़ा लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन का क्या, एक और क्या है, कॉन्टेक्ट विद द स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, ये भी एक कंट्रोल है। तो क्या है कि अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्ट विद द स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप और द स्पेशल स्पेशली सिक्योरिटी फोरम एंड प्रोफेशनल एसोसिएट शैल बी मेंटेन। ये क्या है, इस कंट्रोल में क्या करना है कि सपोज कि कभी कभी क्या होती है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है कि मान लो अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर रही है कोई चीजें, लेकिन कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आपको कोई स्पेशल जो स्पेशलाइज्ड हैं एक्सपर्ट हैं, कोई मान लो कि सतीश साहब बताएंगे जो ज्यादा एक्सपर्ट आईटी के हैं, तो कि सपोज कोई चीज टेस्ट करना, वर्नेबिलिटी टेस्ट करना है अपने सिस्टम में, अपने सिस्टम में कोई थ्रेट चेक करना है, अपने नेटवर्क में कुछ चेक करना है, तो हो सकता है कि हम लोग उस लेवल पे एक्सपर्ट नहीं हो, तो उस कंडीशन में कहता है कि स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप के साथ जो हाईली एक्सपर्ट हो उनके साथ कैसे करना है, उनसे क्या इन्फॉर्मेशन, उनसे कैसे, तो दैट हैज टू बी कंसिडर। क्या बोलोगे सतीश साहब इस पे, आई थिंक नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ओके, देन क्या होता है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यहाँ तो बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्यों अजय साहब? यस सर। हाँ, जहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात आती है, बिकॉज यहाँ पे वही सारे जो कंट्रोल ऊपर बताया गया उसको सारों को फॉलो करना होगा, नहीं तो इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी शैल बी एड्रेस इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिगार्डलेस द टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट मीन्स इन्फॉर्मेशन फ्लो वहां भी कौन किसको इन्फॉर्मेशन पता, क्योंकि देखो बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, देखो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन कुछ है, रिक्वायरमेंट कुछ है, कभी रेट हो सकता है, कभी कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा हो सकता है, हो सकता है कि सिमिलर टाइप के दो क्लाइंट आए, वो क्लाइंट बोले कि हमारा इन्फॉर्मेशन उस क्लाइंट को नहीं जाना चाहिए, हो सकता है कॉपीराइट एक्ट हो, बहुत सारी चीज हो सकता है। तो वो जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट को आप करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर फोकस करना, देखना, ठीक है। देन नेक्स्ट जो कंट्रोल है, मोबाइल डिवाइस एंड टेलीवर्किंग,
मोबाइल डिवाइस, इसमें क्या है कि दो दो सब कंट्रोल्स हैं, कौन कौन क्या है, मोबाइल डिवाइस पॉलिसी और टेलीवर्किंग। मोबाइल डिवाइस पॉलिसी में आप समझ सकते हैं कि मोबाइल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको इधर उधर हो सकता है, तो ये कंसीडर द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसर्न। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने नेचर बिजनेस को देख के मोबाइल डिवाइस पॉलिसी के बारे में कुछ अपना पॉलिसी बना सकती है। ये भी कई जगह इंप्लीमेंट होता है, कई ऑर्गेनाइजेशन में होता है, कई ऑर्गेनाइजेशन में नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अभी रिसेंटली वी हैड वन एक्सपीरियंस विद वन ऑर्गेनाइजेशन, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वहां पे हम लोगों ने ये सवाल किया था कि भाई आपके यहाँ मोबाइल अलाउ है, और बोला कि हाँ साहब मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, अनदर्स अलाउ, तो वो क्लाइंट की भी है, उनको बोला कि हमारे यहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कहीं कई जगह मोबाइल डिवाइस पॉलिसी है, कई जगह इम्प्लीमेंट कर, तो वहाँ एक्सक्लूजन भी था, कहीं एक्सक्लूजन भी हो सकते है, कहीं नहीं भी हो सकती है। और टेलीवर्किंग मतलब आप समझ रहे हैं ना, ए पॉलिसी, हाँ, ए पॉलिसी सपोर्टिंग द सिक्योरिटी मेजर्स शैल बी इम्प्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल प्रोसेस एंड स्टोर्ड एट द टेलीवर्किंग साइट्स। तो कहीं जहीं दूसरी साइट पे कहीं पे स्टोर्ड कहीं कुछ हो तो उसको भी ध्यान रखना, तो डिपेंड करता है कि कई जगह हो सकती है कई नहीं होती है। ठीक है सर, ये टेलीवर्किंग मैं समझ नहीं पाया था, कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं? देखो जी, एनीवन कैन एक्सप्लेन हिम, अजय साहब, ये टेली कॉलिंग सिस्टम होता है ना? नहीं नहीं नहीं, ये टेली कॉलिंग नहीं है, टेली कॉलिंग सिस्टम नहीं। आपको ध्यान रखो क्या कहता है कि ए पॉलिसी एंड सपोर्टिंग सिक्योरिटी मेजर शैल बी इम्प्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन असेस्ड प्रोसेस्ड और स्टोर्ड एट द टेलीवर्किंग साइट्स। जैसे क्या होता है कि मान लो कि कोई भी डाटा, मान लो कि आप मान लो कि डाटा जो है कहीं सर्वर में रख रहे हैं, ये कहीं डाटा आप सर्वर में रख रहे हैं, कहीं कुछ रख रहे हैं, एक मिनट होल्ड, हेलो, हाँ चलो कोई बात, सॉरी। तो समझ गए रंजय कि जो डाटा, जो डाटा कहीं आप जैसे क्या कहते हैं कहीं से असेस करें, मान लो कि जैसे एक सर्वर बनाया वहां से आप असेस कर रहे हैं, कहीं हो सकता है कि आप क्लाउड में हैं या कहीं किसी दूसरे जगह किसी के सर्वर को होस्ट है, तो उस कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है ना? ओके, देन बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली हर कंपनी में इम्प्लीमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स सिक्योरिटी। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिसोर्स सिक्योरिटी वर्क, ये कंट्रोल है। इसमें दो हैं, स्क्रीनिंग एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हेलो, यस सर, यस सर, जैसे स्क्रीनिंग ऑन होता है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या होता है स्क्रीनिंग? जैसे हम लोग एपीपी टेस्ट नहीं करते हैं, एपीपी टेस्ट, फिट एंड प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर परसेंटेज, एग्जैक्टली स्क्रीनिंग वही होता है। स्क्रीनिंग में क्या होता है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक ऑन ऑल द कैंडिडेट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट शैल बी कैरिड आउट इन अकॉर्डिंग्स विद द रिलेवेंट लॉ रेगुलेशंस एथिक्स एंड शैल बी प्रोपोर्शनल विद द बिजनेस रिक्वायरमेंट और जो भी होगा। तो कोई भी कैंडिडेट को अपने यहाँ जब एम्प्लॉय करते हैं उसके स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करने में बहुत है, जैसे हम लोग फिट एंड प्रॉपर पर्सन जो टेस्ट करते हैं, इट इज समथिंग लाइक ए स्क्रीनिंग। तो और भी कई कंपनियां कई चीज वेरिफिकेशन, कई क्रिमिनल बैकग्राउंड और कई रिकॉर्ड को भी चेक करते हैं, जो आपने जो डेटा इंफॉर्मेशन दिया वो करेक्ट है कि नहीं, वो सारे चीज चेक करते हैं, ठीक है। तो फॉर टाइम के लिए हम लोग कंक्लूड करते हैं, टाइम ओवर हो गया, तो विल ज्वाइन यू इन द नेक्स्ट मीटिंग सून, ठीक है ना? ओके ओके सर।